दोस्तों आप लोग एमएस डॉस को अच्छी तरीके से जानते होंगे और डॉस पर काम भी किया हुआ है आप लोगों ने। सपोज करिए कि आप एमएस डॉस पे काम कर रहे हो और आपका डॉस ओपन है और आप चेक करना चाहते हो कि अभी तक मैं कितने कमांड चला चुका हूँ या कौन कौन से कमांड यूज कर चुका हूँ या हमको कौन से कमांड नंबर की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक विद तनवीर में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे कमांड के माध्यम से हम जानेंगे कि हम कौन कौन से कमांड को यूज कर चुके हैं। इसके लिए यहाँ पर हम दो की बात करेंगे, केवल F7 और F9 की बात करते हैं। चलिए अपने लैपटॉप के वीडियो में बताया कि हम लोग कमांड के माध्यम से कैसे चेक करेंगे कि कौन कौन से कमांड को यूज कर चुके हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सपोज करिए कि मैंने डॉस को ओपन कर लिया और डॉस को ओपन करने के बाद मैं कुछ कमांड को यूज कर लेता हूँ। ऐसे मैंने ढेर सारे कमांड को चला लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए, और इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अब आपसे पूछूं कि सबसे पहला कमांड कौन सा चलाया था, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, अपने सिस्टम से केवल कीबोर्ड से F7 प्रेस करना है। F7 के बाद आपको दिख रहा होगा कि हम कौन कौन से कमांड को यूज कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने नेट स्पेस यूजर कमांड चलाया, फिर नेट यूज चलाया, नेट मैनेज, नेट लिस्ट, कॉन्फिग, स्टार्ट और CLS यूज किया। इसके अलावा मैं 0 से लेकर 6 कमांड तक मैंने चलाया, कुल मिलाकर के 7 कमांड। अगर मैं आपसे पूछूं या कहूं कि मुझे फिर से जाना है पहले कमांड पे, तो आपको क्या करना होगा, F7 दबाने के बाद, और आप जैसे मान लीजिए कि नेट यूज कमांड चलाना है, तो हम आ गए ऊपर, अप एंड डाउन एरो से यूज कर लेंगे, उसका एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख रहे होंगे फिर से हमारा कमांड चल गया। लेकिन अगर आप सीरियल नंबर से कमांड चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, F9 दबाना होगा, और F9 के बाद मान लीजिए कि हमें तीसरे नंबर कमांड को चलाना है, एंटर करेंगे, अब आप देख रहे होंगे कि हमारा तीसरा नंबर कमांड आ गया है।